हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके सामने ले आया हूं दो ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार जो भाई बहुत ही टफ फाइट चल रही है दोनों कार्स के बीच में। कभी ये नंबर वन पोजीशन लेती है, कभी ये नंबर टू पोजीशन लेती है। तो बात करें, अगर आपको इन दोनों कार में से कोई एक कार सेलेक्ट करनी हो तो आपको किस कार की तरफ जाना चाहिए। तो गाइस, अगर मैं आपको बताऊं ना यार, दोनों ही बहुत बढ़िया कार है, बट डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कार सूट कर रही है तो आप इस कार में जाएं, और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये कार सूट कर रही है तो आप इस कार में जाएं। दोनों बहुत ही बढ़िया कार है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा और आप उन पॉइंट से अपनी रिक्वायरमेंट मैच कराना। अगर आपकी रिक्वायरमेंट उन पॉइंट्स के साथ मैच कर रही है तो आप इनमें से एक कार सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट में सेफ्टी आपकी अच्छी प्रायोरिटी में, नंबर वन प्रायोरिटी में आती है, तो उस को कंसिडर करते हुए आपको इस कार की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार आपको ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करती है। वहीं बात करूँ इंजन रिलायबिलिटी और इंजन परफॉर्मेंस की, तो अगर आपकी को एक ऐसी कार चाहिए जिसमें आपको रिलायबिलिटी चाहिए, आप चाहते हो कि यार रिलायबिलिटी इशू ना हो कार के साथ और आप आराम से 10-15 साल कार को चलाओ, तो उस केस में आपको ब्रेजा की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज वी ऑल नो मारुति की ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं है इस कार प्रोडक्ट के साथ। आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसमें एनवीएस लेवल बिल्कुल लो हो, कोई नॉइज एंड वाइब्रेशन ना हो, तो उस केस में भी आपको ब्रेजा की तरफ जाना है, बिकॉज फोर सिलेंडर इंजन ऑप्शन के साथ आती है। कार का इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है, कोई नॉइज एंड वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगा, ना कैबिन के अंदर ना कैबिन के बाहर। वहीं बात करूँ नेक्सॉन की, तो यार जितना भी आप मुझे बोलो, अगर आप मेरी बात से सहमत ना भी हो, फिर भी मैं आपको बताऊंगा ये चीज़। अगर आप इस कार में देखोगे, थ्री सिलेंडर इंजन कार है, नॉइज एंड वाइब्रेशन आपको कार के बाहर फील होता है नॉइज इस कार में। वहीं कैबिन साइलेंट है, पहले से ज़्यादा साइलेंट हो गया, बट फिर भी एनवीएस लेवल है। तो अगर आपको चाहिए ऐसी कार जिसमें एनवीएस लेवल बिल्कुल भी ना हो, उस केस में भी आपको ब्रेजा की तरफ जाना चाहिए। बात करें सस्पेंशन की, अगर आपको ऐसी कार चाहिए जिसमें आपको एक स्मूथ राइड मिले, सस्पेंशन बहुत बढ़िया हो कार का, कितनी भी बम्पी रोड हो आपको कंफर्टेबल ड्राइव मिले, तो उस केस में आपको नेक्सॉन कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज नेक्सॉन जो कार है ना यार, इसका सस्पेंशन बहुत ही अच्छा ट्यून किया गया है, कितनी भी ख़राब रोड हो आपको फील नहीं होगा कि आप किसी ख़राब रोड पे चला रहे हो, बहुत ही प्यारा सस्पेंशन ट्यून है इस कार का। तो उसके इसमें की तरफ, उसके इसमें भी अगर आपको एक अच्छी कंफर्टेबल राइड चाहिए कार से तो, और सस्पेंशन अच्छा चाहिए, तो आप नेक्सॉन की तरफ जा सकते हो, बहुत अच्छा सस्पेंशन है इस कार का। बात करें लुक की, तो लुक जो यार वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट अगर मैं बताऊँ, अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन आप चाहते हो कार में, एक अच्छी गुड लुकिंग कार चाहते हो जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग हो, तो उस केस में भी मुझे नेक्सॉन ज़्यादा सूट करती है। बिकॉज इसका जो आप लुक देखते हो, ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टाइप लुक है, और अभी के टाइम के अकॉर्डिंग ये काफ़ी, मैं बोलूँगा काफ़ी अट्रैक्ट करेगा लोगों को, और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर ऐसी कार आप चाहते हो तो उस केस में आप नेक्सॉन देख सकते हो। अदरवाइज मैं बात करूँ तो ब्रेजा का भी लुक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसका एक ऐसा प्रॉपर एसयूवी वाला लुक देता है, बॉक्सी डिज़ाइन के साथ ये कार आती है, एंड लुक वाइज भी कार बहुत अच्छी लगती है। बट ये वही बात है यार, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है लुक का। मुझे थोड़ा सा एज नेक्सॉन को जाता है मेरा, और मुझे लगता है कि लुक में थोड़ा नेक्सॉन बेटर है। हो सकता है आप एग्री ना करो मेरी बात से, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग डिज़ाइन और लुक्स के मामले में नेक्सॉन ज़्यादा बेटर है। और अगर आपका ये रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ऐसी कार चाहिए जो डिज़ाइन और लुक्स के मामले में अच्छी हो, तो उस केस में भी आप नेक्सॉन की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बात करूं, अगर आपका कंसर्न है माइलेज और आप चाहते हो अपनी कार से एक अच्छी माइलेज वाली कार, तो उस केस में भी आप ब्रेजा की तरफ जाइए, बिकॉज ब्रेजा आपको नेक्सॉन से ज़्यादा माइलेज देगी। ऑल दो 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है, इसका 1.2 लीटर इंजन है, डबो इंजन इसमें आता है, बट बात करी जाए माइलेज की, तो उस केस में भाई ब्रेजा जो है ना वो बाजी मारती है, एंड ब्रेजा आपको नेक्सॉन से अच्छी माइलेज निकाल के देती है, चाहे बात करें आपका सिटी माइलेज की, चाहे बात करें आपको हाईवे माइलेज की। ये कार आपको हर कंडीशन में नेक्सॉन से बेटर माइलेज निकाल के देगी। तो गाइस ये पॉइंट है। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस
नेक्सॉन में ज़्यादा आती है, बट फिर भी ब्रेजा की ग्राउंड क्लियरेंस कुछ कम नहीं है। दोनों आपको किसी भी तरह की रोड कंडीशन में अच्छी ड्राइव देगी, आपको ग्राउंड क्लियरेंस को लेके कोई इशू दोनों कारों में नहीं आएगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में तो दोनों कार विनर्स है, एंड आप दोनों में से कोई सी भी कार पिक कर सकते हो अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस एक कार का अच्छा चाहिए। तो गाइस यही कुछ पॉइंट है और यही कुछ बातें हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कार देखो, सारी कार परफेक्ट नहीं होती, हर कार में कुछ ना कुछ कमी होती है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जाना चाहिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं इन दोनों कार्स में। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस कार के साथ बैठती है तो आप ये कार चूज़ कर सकते हो, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस कार के साथ बैठती है तो आप ये कार चूज़ कर सकते हो। दोनों ही कार बहुत बेहतरीन है, बस मैटर करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बहुत छोटा सा एक बिकॉज कंपैरिजन वीडियो हमने बहुत देख लिया इन दोनों कार्स के बारे में, एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं शेयर करना चाहता था इस वीडियो में, ताकि लोगों का डाउट क्लियर हो सके कि हमें कौन सी कार चूज करनी चाहिए। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।